आज मैं आपको छोटे बच्चों की ABCD सिखाऊंगी। जी हाँ, जो मदर, पेरेंट्स या बाकी फैमिली मेंबर्स के लिए जानना बहुत जरूरी है। इस बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले डेंगू और मलेरिया से बचने के उपाय जानिए। तरह तरह की बीमारियां हमें घेरे रखती हैं, कभी मलेरिया, कभी डेंगू तो कभी स्वाइन फ्लू। ऐसे में आपको अपना और अपने अपनों का ध्यान कैसे रखना है ये बताती हूँ। सबसे पहले तो आप पपीते के कुछ पत्ते और एक से दो फूल लेकर एक गिलास पानी में उबाल लीजिए। पानी थोड़ा ठंडा हो जाए, इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लें, फिर इन्हें छान कर खुद भी पिए, बच्चों को भी पिलाएं। ये रामबाण की तरह काम करता है। छोटे बच्चों को आप पढ़ाना 2 साल के बाद शुरू कर देते हैं, लेकिन बर्थ से लेकर 6 महीने तक के बच्चों को आपको ब्रेस्ट फीडिंग देना जरूरी होता है। से 6 से 7 महीने के बाद जैसे बच्चे की बॉडी थोड़ी बड़ी होती है, उसकी बॉडी में जो हेल्दी एलिमेंट्स हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है। चलिए आपको छोटे बच्चों की ABCD बताती हूँ। बच्चों की ABCD की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए, यानी कि बच्चों का ए। इसके लिए बच्चे को कम से कम 2 ग्लास दूध पिलाना ही पिलाना है। इसकी कमी से बच्चे के पेट, आँख और कान, लंग से जुड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बच्चे का बी यानी कि विटामिन बी, इसके लिए बच्चे को उबले चावल और दही खिलाएं। ये बच्चों की आंखों की रोशनी को तेज करता है। विटामिन सी, बच्चों की सी, बच्चों को रोज आधा ग्लास मौसमी का जूस पिलाएं। बच्चों के टीथ और गम्स बहुत स्ट्रांग रहेंगे। विटामिन डी, बच्चों की ABCD में से डी, 10 से 15 मिनट तक रोज बच्चों को धूप में बिठाएं। इससे बच्चों में कैल्शियम का विकास होता है, उनकी बॉडी में विटामिन डी की डेवलपमेंट होती है। फिर से बात करेंगे आपके कल की, आपकी राशियों की। लेकिन बच्चों का पहला साल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पहले साल में क्या खिलाएं बच्चों को, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। इस बारे में आपका और ध्यान देते हैं। बच्चे की हेल्थ अगर आप बनाना चाहते हैं, चाहते हैं उनकी डेवलपमेंट अच्छी हो, तो उनके बर्थ का 1 साल बहुत ज़रूरी है। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है ये जानिए। बच्चों को डाइट देते समय उनकी उम्र अगर 4 से 6 महीने के बीच जो है ग्रोथ की स्टार्ट हो जाती है, इसलिए इस एज में बच्चों को आपको अच्छी डाइट देना ज़रूरी है। बच्चों को सभी तरह की डाइट दें, इन्हें ज़्यादा ना खिलाएं और धीरे धीरे ही उनको खाना चबाना आएगा। चम्मच से नहीं खिलाकर बच्चे को हाथ से खिलाएं। ऐसा करने पर खाना जल्दी डाइजेस्ट होगा और बच्चे को खाने का इंटरेस्ट भी आएगा। कई बार जब लोगों का घर देखने मन आता है या लोगों के घर में जब मैं जाती हूँ या नक्शा देखती हूँ, तो उनके घर का सेंटर काफ़ी प्रॉब्लम में देखा जाता है, क्योंकि आजकल कुछ तरीके से फ्लैट्स बन रहे हैं, कुछ बिल्डर्स इस तरह से बना रहे हैं कि घर के सेंटर, जो पहले ज़माने में आंगन की जगह हुआ करती थी, वो आजकल डिस्टर्ब होता है। यहाँ पे पिलर होता है या हैवी फर्नीचर होता है, ये ठीक नहीं है। ये उतना ही ख़राब है जैसे अपनी नाभि पर वजन रखना। क्या हालत होगी आपके पेट की, ज़रा सोच कर देखिए। और पेट से ही हर चीज़ चलती है, इसी तरह से घर का सेंटर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस बारे में आज मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। आप लोगों को पता है ना कि मैं आप ही लोगों की मेल्स पढ़ती हूँ और देखती हूँ कि लाइफ में कितना स्ट्रेस है। स्ट्रेस को करते हैं गायब। बात करेंगे मानसिक शांति की, लेकिन इससे पहले आपको ये बताती हूँ कि अपने भाई के साथ शांति और प्यार बढ़ाने के लिए क्या करें। स्पेशल डेज पर मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आपको एक भी एपिसोड मिस नहीं करना, क्योंकि स्पेशल डेज पर स्पेशल बात होती है। अपने ब्रदर के घर हैं, एक काम करें, फटाफट कंपस घर के बीचों बीच रख के या रख कर आराम से चेक कर लीजिए कि साउथ वेस्ट कहाँ है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बैठकर अपने ब्रदर और अपनी अच्छी हेल्दी लाइफ की कामना करना, या फिर साउथ वेस्ट में अपनी और ब्रदर की फ़ोटो छुपा कर डाल आइए। या अपनी मदर से कहिए कि वो अपने रूम में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपकी और आपके ब्रदर की और भाभी की फ़ोटो लगाएं। आपकी पूरी फैमिली की भी लगा सकते हैं। बस इतना कर लेने से आपके घर में शांति और प्यार बढ़ने लगेगा। चलिए हम फटाफट आपके मेंटल स्ट्रेस का एक खास उपाय करते हैं।
क्या करें अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। घर की पूजा घर में दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर रखें। अगले दिन इसी जल को पूरे घर में छिड़क दीजिए। इसे घर के हर मेंबर को मेंटल रिलीफ मिलेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो एक काम और भी कर सकते हैं, दक्षिणावर्ती शंख रखा, उसमें जल भरा, इसको अगले दिन फैमिली फोटोग्राफ पे छिड़क दीजिए। इससे भी घर में मानसिक शांति रहेगी।